तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आते हैं आपके YouTube चैनल PKB प्रियम के ब्लॉग्स में। और आज का जो वीडियो है वो है क्वांटम यूनिवर्सिटी के ऊपर, कि यहाँ के हॉस्टल्स कैसे हैं, कि फीस स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ की प्लेसमेंट कैसी है, यहाँ की जो कैंपस लाइफ है वो कैसी है। आज इन्हीं सब चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। आई नो आप ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो जो है वो यूट्यूब पर देखकर आ चुके हो, बट आई कैन बेट दिस इज द मोस्ट डिटेल्ड रिव्यू वीडियो ऑन यूट्यूब एवर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, क्योंकि आपको मचाना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यार ओवरव्यू की। तो ये जो कैंपस है वो 2017 में एस्टेब्लिश हुआ था। 30 एकर्स के अंदर पूरा जो कैंपस है वो फैला हुआ है, प्लस रुड़की उत्तराखंड यानी जो कि बहुत प्यारी जगह है वहां पर ये यूनिवर्सिटी है। प्लस जो इंस्टीट्यूट टाइप है वो है प्राइवेट। रैंकिंग की बात करें तो 1 आती है मैनेजमेंट में उत्तराखंड के अंदर, जो कि वीक मैगजीन के द्वारा इनको दी गई है। प्लस अमंग टॉप 2 फॉर इंजीनियरिंग इन उत्तराखंड और नंबर 1 बी स्कूल इन उत्तराखंड बाय IMRB। प्लस अगर हम बात करें 29 आती है टॉप प्राइवेट बी स्कूल इन नॉर्थ इंडिया बाय द वीक मैगजीन, और नंबर 65 अमंग ऑल बी स्कूल इन इंडिया बाय करियर 360। बात करें कनेक्टिविटी की, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट हो जाता है, क्योंकि मान लो अगर आप यूनिवर्सिटी ऐसी ले लेते हो जहां से दूर दूर तक कोई कनेक्टिविटी नहीं है रेलवे स्टेशन या बस का, तो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाए वहां तक पहुंचने में। तो यहाँ पे 22 किलोमीटर दूर है फ्रॉम रुड़की रेलवे स्टेशन, 11.3 किलोमीटर दूर है फ्रॉम चकमल बस स्टैंड, एंड 45 किलोमीटर फ्रॉम जौलीग्रांट एयरपोर्ट देहरादून। ऑल्सो जो सिटीज की भी बात कर लेते हैं, रुड़की से 20 किलोमीटर दूर है देहरादून से 40, सहारनपुर से 20 और हरिद्वार से 35 किलोमीटर इनका जो कैंपस है वो। और नाउ हैव अ लुक टू द ब्यूटीफुल कैंपस, आप लोग देख सकते हो कैसा है। प्लस आगे बात करें इंस्टीट्यूट की, तो यहाँ पे यार स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है, स्कूल ऑफ बिजनेस है, स्कूल ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज है, और भी काफी सारे आप लोग देख सकते हो। कोर्सेज कौन कौन से लोग ऑफर करते हैं, तो इंजीनियरिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन मैनेजमेंट मीडिया स्टडीज एंड डिजाइन, और भी काफी सारे। प्लस इंटीग्रेशन कोर्स भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं, लाइक बीटेक प्लस एमबीए या फिर बीबीए प्लस एमबीए। आगे बात करें तो यार हाउ टू फिल दी फॉर्म, तो यहाँ पे तीन तरीके हैं, तीन तरीके से आप भर सकते हो। जो एप्लीकेशन फी है वो है 1000 rupees, प्लस ऑनलाइन आप भर सकते हो, ऑफलाइन भर सकते हो, 1-to-1 भर सकते हो ऑनलाइन में। जैसे कि मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे रहा हूँ, आप उस लिंक पे जाकर अगर फॉर्म भरते हो तो आपको एक पूरी फ्री काउंसलिंग मिलने वाली है। अगर आपके जितने भी डाउट्स हैं, आप जो मैं डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दूंगा उस पे कॉल करके आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन लेना चाहते हो या फिर किसी और में भी, तो वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। प्लस अगर आप जो सा नीट या फिर जो है जेईई एस्पिरेंट हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, तो यार ये काफी मेजर डिसीजन हो जाता है हमारी लाइफ का। क्योंकि अगर हमने गलती से भी गलत यूनिवर्सिटी चूज कर ली, तो हम 10-12 lakh को अपने आगे लगाने जा रहे हैं, तो भले आप 2-3 hours पहले खर्च कर लो तो वो मच बेटर रहता है। तो इन सब की काउंसलिंग के लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वो भी जाके फिल कर सकते हो। ऑनलाइन मोड में आपको ऑब्वियसली ऑनलाइन जाना है और पेमेंट मार देना है, ऑफलाइन के अंदर आपको डाउनलोड करना है फॉर्म को, फिर फिल करना है और उसका एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना है DD मतलब 1000 rupees का, और उसको क्वांटम यूनिवर्सिटी भेज देना है, मतलब उनके नाम पर पेबल टू एट देहरादून। सेंड द फॉर्म टू द DD टू द एडमिशन ऑफिस क्वांटम यूनिवर्सिटी। 1-to-1 की मतलब है यहाँ पे इनका कोई भी ब्रांच या फिर कुछ ऑफिस जो है वो आपके शहर में है, या फिर आप कैंपस विजिट करके 1-to-1 भी ये चीज कर सकते हो। मोड्स ऑफ एडमिशन की बात कर लेते हैं, तो एंट्रेंस टेस्ट होता है इनका QKR करके, जिसका ऑनलाइन MCQs होते हैं, ड्यूरेशन जो है वो 1 घंटे का है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, नो नेगेटिव मार्किंग, इंग्लिश के होगा और 11th 12th के कोर्स के बिहार पे इनका पूरा जो एग्जाम है होने वाला है। प्लस एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस भी आने वाली है। मेरिट लिस्ट 10+2 के बिहार पे भी हो जाता है और JEE मेंस का थ्रू भी यहाँ पे हो जाता है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, उत्तराखंड यहाँ पे डोमिसाइल लिखा हुआ है, यानी अगर आप उत्तराखंड में रहने वाले तो आपको एक स्पेशल बेनिफिट मिल रहा है, आपको एक एडिशनल स्कॉलरशिप या डिस्काउंट आप लोग मान लो, और अगर आप उत्तराखंड से बाहर हो तो थोड़ा बहुत पार्शियलिटी आपके साथ होने वाली है। और ये चीज मैंने उत्तराखंड की सभी यूनिवर्सिटीज में देखा है, एक एडिशनल डिस्काउंट इन लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। तो सारी फीस आप बीटेक एमटेक वगैरह की देख सकते हो। प्लस हॉस्टल की बात करें, तो बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल प्लस मैथ्स फीस की हम बात करते हैं, तो एसी रूम 52,000 पर सेमेस्टर है, नॉन एसी रूम 48,000 पर सेमेस्टर है। हॉस्टल फी इंक्लूड लॉन्ड्री चार्जिंग, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मेरे को लगा, मैक्सिमम 40 crores पर मंथ आप अपने जो है वो वॉश करवा सकते हो, मीन ड्राई क्लीन करा सकते हो। वॉशिंग मनी जो है वो 5,000 rupees रहेगी। प्लस अदर फीस की बात करें, तो ट्रांसपोर्टेशन जो चार्जेस है वो डिपेंड करेंगे आप कौन से रूट से आ रहे हो। यूनिफॉर्म भी है जिसके जो चार्जेस है वो 7,500 rupees आपको पे करने पड़ेंगे। स्कॉलरशिप की बात करें, तो बेस्ड ऑन JEE रैंक यहाँ पे आप अपने रैंकिंग के अकॉर्डिंग अपनी जो स्कॉलरशिप है वो लगा सकते हो। बेस्ड ऑन बोर्ड एग्जाम्स भी आप लोग देख सकते हो अलग अलग कोर्सेज के हिसाब से, और आगे भी स्कॉलरशिप ही स्कॉलरशिप है।
प्लेसमेंट की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज जो है वो 33.5 NPA 85% प्लेसमेंट इनका रिकॉर्ड है, प्लस प्रोवाइडिंग इंटर्नशिप करते हैं तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कैंपस के अंदर ही कंपनीज आएंगी। प्लस कौन कौन सी कंपनी विजिट करते हैं भैया, विप्रो है, कैपजेमिनी है, क्विक हील है, TCS है, और भी काफी सारी कंपनीज है। फैकल्टीज एंड टीचर्स की बात करें तो ऑल द फैकल्टी ऑफ क्वांटम यूनिवर्सिटी इज वेल एजुकेटेड और दे आर द बेस्ट इन द फील्ड्स ऑफ द कोर्सेज, जिस भी कोर्स में जो फैकल्टी लगी हुई है यानी वो स्टूडेंट की बेस्ट है, गुड इन नेचर एंड ऑल्सो सपोर्टेड बाय द स्टूडेंट्स। इफ यू वांट टू वर्क ऑन एनी प्रोजेक्ट और राइट पेपर्स दे आर अवेलेबल टू हेल्प यू, यानी अगर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आप करना चाहते हो तो यहाँ पे भी वहाँ की फैकल्टीज आपकी जो है वो पूरी हेल्प करती है, प्लस फैकल्टीज आर वेरी फैमिलियर। अब बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर और लैब्स की तो वेल मेंटेन क्लासरूम्स हैं, ऑडिटोरियम्स हैं, सेमिनार हॉल्स हैं, लाइब्रेरी है, हॉस्टल्स हैं, मैथ एंड कैफेटेरिया हैं, ट्रांसपोर्ट हैं, कंप्यूटर एंड अदर लैब्स आर आल्सो अवेलेबल। कैंपस लाइफ और हॉस्टल लाइफ की बात करें तो फुल ऑफ इंटेलेक्चुअल अपॉर्चुनिटीज एंड एक्साइटिंग एडवेंचर्स एंड लास्टिंग फ्रेंडशिप जो कि कहीं नहीं टिकती है। वाइब्रेंट कैफेटेरिया फॉर द हैंगआउट्स एंड द TQ कैफे प्रोवाइड ग्रेट फूड विद द अफोर्डेबल प्राइसेस, यानी कि यार काफी ज्यादा कॉलेज में ना थोड़ा खाने का दिक्कत रहता है, लाइक कैंटीन भी होती है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव रहती है, बट यहाँ पे लोग बोल रहे हैं क्यू कैफे करते हैं यहाँ पे जो कि कम अफोर्डेबल रेट पे काफी अच्छा खाना प्रोवाइड करते हैं, सो स्टूडेंट्स नेवर गो हंग्री। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की बात करें तो लॉन टेनिस, क्रिकेट, बास्केटबॉल ये सारे कोर्स हैं आप लोग दे सकते हो, प्लस स्पोर्ट्स इवेंट्स भी यहाँ पे होते हैं जिनके नाम को ओलंपिक्स और उड़ान करके मेडिकल फैसिलिटीज भी है, बैंक एंड ATMs भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यार अगर हम बात करें सिटीज अराउंड यूनिवर्सिटी तो साइकिलिंग अलोंग द गंगा कैनल एंड रुड़की आप जा सकते हो, वाटर राफ्टिंग कर सकते हो ऋषिकेश में, और भी आप हरिद्वार जाके वहाँ पे अपने जो पाप है वो धो सकते हो, और भी जगह आप लोग दे सकते हो, मसूरी वगैरह जा सकते हो। प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो काफी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड करती है, वंडरफुल नियर बाय प्लेसेस टू विजिट ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून, मसूरी। कॉन्स जो है यार वही है, प्लेसमेंट इज नॉट सो गुड और 75% अटेंडेंस आर मैंडेटरी। अब वाई क्वांटम की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली न्यू एज करिकुलम लाइक अलाउ द स्टूडेंट टू अर्न मेजर इन चूजिंग सब्जेक्ट और प्रोफेशनल इंटरेस्ट, यानी अगर आपका जिस चीज का पैशन है उस चीज में यूनिवर्सिटी काफी हेल्प करती है, जैसे कि हमने पहले बात की थी लाइव प्रोजेक्ट्स वगैरह में जो फैकल्टीज है वो पूरा हेल्प करती है, प्लस सपोर्ट स्टूडेंट्स एथलेटिक सेंसिबिलिटीज इन स्पोर्ट्स, थिएटर, डांस, म्यूजिक, अगर आपका ऐसा भी कोई इंटरेस्ट है तो जो यूनिवर्सिटी है वो काफी ज्यादा आपको सपोर्ट करेगी इस चीज में आगे बढ़ने के लिए, प्लस पैशन प्रोग्राम्स है, PRO PS आप लोग देख सकते हो, बिलीव देयर पैशन एंड प्रोफेशन आर द टू फेसेस ऑफ सिंगल पॉइंट क्वांटम, इंपार्ट्स द रिग्रेस टेक्निकल ट्रेनिंग्स अंडर एन एरिया ऑफ काफी सारे टाइप्स इनके MOU से, प्लस आप लोग यहाँ देख सकते हो एनुअल फेस्ट के कुछ रिसेंट एनुअल फेस्ट के जो है यहाँ पे आपको झलक देखने को मिल जाएगी, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कैसे फेस्ट यहाँ पे होते हैं। अब बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो यार अगर आप इस यूनिवर्सिटी के आसपास रहते हो यानी जितनी जगह मैंने बताई तो ये यूनिवर्सिटी आपके लिए बजट हो सकती है, प्लस अगर आपको एक परफेक्ट गाइडेंस चाहिए कि आपके हिसाब से कौन सा यूनिवर्सिटी ठीक रहेगा तो डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है उसके थ्रू आप फॉर्म भरो या फिर उस नंबर पे आप कॉल करो, काफी अदर आपको सपोर्ट मिलेगा, काफी बड़े एक्सपर्ट्स काफी सालों से टीम लगी पड़ी है, तो ऐसे वैसे नहीं है, आपको परफेक्ट काउंसलिंग दी जाएगी और आप डेफिनेटली एक सही यूनिवर्सिटी चुन पाओगे। प्लस अगर आपका कोई कजिन या फिर आप ही जो JEE या फिर नीट या फिर जो सा के एस्पिरेंट हो और आप अपना करेक्ट कैंपस जो है वो चूज नहीं कर पा रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है काउंसलिंग के लिए, वो आप जाके भर सकते हो, ऑब्वियसली थोड़ा सा पेड है क्योंकि बाकी मैंने उस पर काफी हैवी डिस्काउंट आप लोगों को दिलवाया है, जो कि इनका 10,000 की काउंसलिंग होती है वो मैंने आपको सिर्फ 2,000 rupees में, प्लस डिफर करेगा कि आप JEE की ले रहे हो, नीट की ले रहे हो या फिर जोशा की ले रहे हो, बट आई कैन बैट ऑन इट, आप चाहो तो मेरे को आके डिस्क्रिप्शन में गालियां दे सकते हो, मतलब कमेंट सेक्शन में, अगर आपका वो पैसे जो है वो वेस्ट जाते हैं और अब वो आपकी पूरी हेल्प नहीं कर पाते हैं तो आई कैन बैट मैं आपको वो पैसे वापस दिलवा दूंगा, बट मैं इस चीज की एश्योरिटी दे सकता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ उन लोगों सालों से वो लोग मेहनत कर रहे हैं, काफी बड़ी टीम है और आप अपना जो परफेक्ट कॉलेज है आपके लिए जो परफेक्ट कॉलेज फिट बैठता है वो आपको डेफिनेटली चूज करने में काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।